डेंगू की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेज में ब्लड सेपरेटर मशीन मंगवाई गई थी, परंतु लगभग एक साल हो जाने के बाद भी यह मशीन आज तक चालू नहीं हो पाई है। मेडिकल कॉलेज में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन को चालू किए जाने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल द्वारा जिला डिप्टी कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया, जिसमें डेंगू के उपचार के लिए आई हुई इस विशेष मशीन को चालू कर जिले वासियों को इसकी सुविधा का लाभ दिलाने की मांग की गई है। रायगढ़ शहर में डेंगू की बीमारी नियमित साफ सफाई व दवा छिड़काव के अभाव में धीरे धीरे फैल कर व्यापक रूप ले रही है और पिछले लगभग 15 दिनों से डेंगू के मरीजों में रोजाना इजाफा हो रहा है। पिछले वर्ष जिले में डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए तत्कालिक कलेक्टर सम्मी आबिदी ने विशेष बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया और इसके बाद डेंगू की गंभीरता को समझते हुए जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेज में ब्लड सेपरेटर मशीन मंगवाई गई थी, परंतु लगभग एक साल हो जाने के बाद भी यह मशीन आज तक चालू नहीं हो पाई है। मेडिकल कॉलेज में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन को चालू किए जाने की मांग लेकर जनता पार्टी के नगर मंडल द्वारा जिला डिप्टी कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने डेंगू के उपचार के लिए आई हुई इस विशेष मशीन को चालू कर जिले वासियों को इसकी सुविधा का लाभ दिलाने का आग्रह किया। पूर्व विधायक रोशन लाल के नेतृत्व में रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट पहुँचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मशीन जल्द चालू करने की मांग भी रखी। इस मशीन के चालू नहीं होने की वजह से डेंगू के मरीजों को मजबूरी बस प्राइवेट ब्लड बैंक का रुख करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन को ऑपरेट करने से पूर्व इसका विधिवत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस जारी होने के लिए कुछ अनिवार्यताएं होती हैं, इन सभी को पूरा करने के पश्चात ही इस मशीन को चालू करने का लाइसेंस मिल पाएगा। एक साल से यह मशीन मेडिकल कॉलेज में धूल खा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन व जन प्रतिनिधियों को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। जिले में डेंगू के मरीजों को इलाज मुहैया कराने व इस मशीन की सुविधा देने के लिए जल्द से जल्द मशीन को चालू करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना ही होगा। मेडिकल कॉलेज में 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की मशीनें आ चुकी है, अगर प्रशासन चाहे तो सेपरेटर मशीन, ब्लड डोनेशन मशीन उसको चालू करवा सकता है। आप सभी लोग को मालूम है, समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम है, जो नए आयुक्त आए हैं वो अपने आप को बताते हैं कि मेरा कार्यकाल नया है, पर इस वर्ष जिस प्रकार से नगर निगम के द्वारा सफाई होनी चाहिए थी वो सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण डेंगू पाव पसार रहा है। ये शहर में जो 15 दिन से मरीजों की संख्या में, डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उस विषय में 10 दिन पहले निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि नियमित दवा का छिड़काव होगा, परंतु आज पर्यंत किसी भी वार्ड में नियमित दवा का कोई छिड़काव नहीं हो रहा, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि दवा छिड़काव की मॉनिटरिंग की जाए, साथ ही साथ जो 3 करोड़ लागत की 2 वर्ष से यहाँ सेपरेटर मशीन आ रखी है उसको शीघ्र से शीघ्र चालू करवाया जाए, ताकि कि डेंगू के मरीज जिनको कि ब्लड की आवश्यकता होगी तो उनको किसी भी प्राइवेट संस्थानों के भरोसा न रहना पड़े और वो अपनी सरकार के पैसे की ब्लड मशीन का उपयोग कर पाए। निगम को आपने ज्ञापन दिया, निगम ने कुछ नहीं किया, कलेक्टर मैं ज्ञापन दिया, कलेक्टर वाले भी कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेगी आपकी संगठन? उसके बाद आगे चल के हम अपनी रणनीति तैयार करके इस प्रदर्शन को और आगे उग्र करेंगे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि जब सत्ता में थी तब आप लोगों ने भी देखा होगा कि 3 साल से हमने पूर्व विधायक रोशन भैया के नेतृत्व में लगातार साफ सफाई व्यवस्था को सुबह उठ के करवाते थे। अभी यह साफ सफाई व्यवस्था 8 महीने से पूरी ठप पड़ी हुई है, अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो आगे चल के हम अपनी रणनीति बना के इस आंदोलन को और व्यापक करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं डेंगू फैलने के संबंध में अभी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस संबंध में आयुक्त नगर निगम को पूरे वार्डों में दवाई छिड़काव का एवं फॉगिंग करने का निर्देश दिया गया है। आवेदन में भी मांग किया गया है कि मेडिकल कॉलेज में सेपरेटर मशीन है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसका उपयोग किया जाए, तो इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।